हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बियरिंग पुलर या हाइड्रोलिक पुलर भी इसको बोला जाता है, इसको किस तरह से फिट किया जाता है और किस तरह से बियरिंग को डिसमेंटल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यह हाइड्रोलिक पुलर है, इस पर दो लेग लगा सकते हैं या हम लोग तीन लेग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दो लेग लगाना है तो ऑपोजिट में लगाना है, तीन लेग लगाना है तो इस पे लगाना है, देखिए, ठीक है। एक, दो और तीन, ये तीनों में तीन लेग लगाना है। अगर दो लगाना है तो ये ऑपोजिट में लगाना है आप लोगों को। दो में भी बियरिंग निकल जाता है और बड़ा बियरिंग रहे तो तीन लेग आप लोगों को लगाना पड़ता है। इस तरह से इसके क्लैंप रहते हैं, उस क्लैंप को पहले प्लेट को लगा देना है, जो क्लैंपिंग प्लेट है, इस तरह से लगा के बोल्ट डालकर और नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इस तरह से हम लोग अभी दो लेग का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही बियरिंग भी बाहर निकाल कर दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले क्लैंप लगा लेना है, क्लैंप लगाने के बाद आपको लेग को फिट करना है। दो जगह दिया हुआ है, अगर बियरिंग का डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा दूर पे है, तो बाहर वाले होल पे आप लोग लगा सकते हो। अभी बियरिंग का डिस्टेंस कम है तो हम लोग अभी अंदर वाले होल पर लेग को लगा रहे हैं। इस तरह से लेग को लगा के और नट को टाइट कर देना है। सेम प्रोसेस इसका ऑपोजिट साइड में भी करना है। अगर तीन लेग लगा रहे हैं तो तीनों ऑपोजिट में होना चाहिए। अभी दो लेग लगा रहे हैं हम लोग, तो दोनों जो ऑपोजिट का साइड है उस पर हम लोग अभी दोनों लेग को फिट कर देंगे। इधर भी क्लैंप लगेगा, जो क्लैंपिंग प्लेट आता है, इधर भी पहले क्लैंपिंग प्लेट को लगाना है आप लोगों को इस जगह पर, उसके बाद ही लेग को फिट करना है। इसको इंस्टॉलेशन करना भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये 15 टन का है, 15 टन इसका कैपेसिटी है। हाइड्रोलिक पुलर इसको बोला जाता है या बियरिंग पुलर भी बोला जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो इसका अलग अलग कैपेसिटी का आता है, 5 टन, 10 टन, 15 टन। तो ये 15 टन का है, देखिए अभी इसका क्लैंप लग गया, इस पर भी हम लोग इसके लेग को फिट कर लेंगे आगे वाले होल पर ही बोल्ट को डालकर। इस तरह से आप लोगों को फिट कर लेना है इसको, अच्छी तरह से नट को टाइट करना है, बोल्ट को घुसा के और नट को अच्छी तरह से टाइट करना है। देखिए अभी फिट हो गया है, दो लेग हम लोगों ने फिट किया है, इस पर तीन लेग फिट नहीं करना है, इसलिए ऑपोजिट वाले को छोड़ दिए हैं। ये है इसका रिलीज पॉइंट, इसको पहले टाइट करना है, तभी आपको पम्पिंग करना है। इस जगह से पम्पिंग करना है आपको, जब पम्पिंग करोगे तो इसके आगे की ओर शाफ्ट बाहर निकलते आएगा और बियरिंग को बाहर की ओर निकालना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर आपको इसका पुशिंग रॉड रहता है, उसको आपको लगा लेना है पंपिंग के लिए और इस तरह से पंपिंग करते जाना है रेगुलर। जैसे ही पंपिंग करेंगे देखिए आगे की ओर ये एक शाफ्ट बाहर निकल रहा है। ये क्या करेगा, ये प्रेशराइज करेगा, बियरिंग को बाहर की ओर खींचेगा जब हम लोग बियरिंग में लेग को फंसा देंगे। वो भी मैं अभी लाइव दिखाऊँगा आपको किस तरह से इसको बियरिंग में फिट करना है, ठीक है। और ये जो है इसका टाइट करने के लिए है, लेग को मैनुअली आप इस नट को, चेक नट को टाइट करके या लूज़ करके इस लेग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एडजस्ट करने के लिए एक चेक नट जैसा दिया हुआ रहता है और आगे पे एक नॉप दिया हुआ है सेंटराइज करने के लिए। इसका क्या है, सेंटर आप लोगों को मिलेगा, एक डिस्टेंस पीस भी दिया हुआ रहता है। इस तरह से डिस्टेंस पीस को लगा कर और लेग के गैप को कम कर सकते हैं आप लोग। वो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को खुद से दोस्तों, जितना डिस्टेंस बियरिंग का रहे उस हिसाब से आप लोग पुल पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको अपने से एडजस्ट करके चेकनट को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इसका जो गैप है लेग का वो बहुत कम हो गया। इस तरह से आप लोग डिस्टेंस पीस का इस्तेमाल करके और लेग को टाइट करके पम्पिंग कर सकते हैं। बट हम लोग को अभी डिस्टेंस पीस का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह से रिलीज़ करिएगा, साफ्ट अंदर की ओर चल जाएगा, ठीक है। और कभी भी पंपिंग करते समय ये चीज़ का ध्यान देना है कि पुलर के पीछे खड़ा होकर पंपिंग नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा रिक्सी है। अगर बियरिंग झटके से खुल जाता है तो आपका लेग वगैरह टूट सकता है, तो कभी भी साइड में खड़ा होकर बियरिंग को पंपिंग करना है। इस तरह से आप लोगों को पुलर को फंसा लेना है। देखिए हम लोगों ने बियरिंग में फंसा लिया है और इसको टाइट कर दिया है, इसके नॉब को सारा अभी टाइट है। अभी जैसे ही पंपिंग करेंगे देखिए बियरिंग आसानी से बाहर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके बैक साइड में बैठकर पंपिंग नहीं करना है, साइड में खड़ा होना है
और दूर से इसके पंप को ऑपरेट करना है। देखिए बैरिंग धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। बहुत आसान सा प्रोसेस है, बस कूलर को इंस्टॉल करने आना चाहिए। बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो हाइड्रोलिक कूलर को इंस्टॉल करने ही नहीं आता, तो किस तरह से काम करेगा वो तो पता ही नहीं चलेगा। सेम नॉन ड्राइव साइड का भी हम लोग कर लेंगे इसी प्रोसेस से। देखिए बेयरिंग आसानी से बाहर की ओर आ गया, इतना इजी प्रोसेस है। कूलर इतना इजी कर दिया है बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए। इसका बहुत सारे और भी मॉडल आते हैं, ठीक है। इस तरह के जो हाइड्रोलिक आपका कूलर दिख रहा है, इसका दूसरा मॉडल भी आता है। ये 15 टन का है, 5 टन का भी आता है, 10 टन का भी आता है, 2 टन का भी आता है। तो आपको जितना का ज़रूरत है उतना का आप हाइड्रोलिक कूलर खरीद कर उसको यूज कर सकते हैं। मैनुअली कूलर में थोड़ा दिक्कत होता है, नट उस पर एक स्टड निकला हुआ रहता है जिसको आप लोगों को रेगुलर टाइट करना पड़ता है। तो इस तरह का एक हाइड्रोलिक कूलर ख़रीद लीजिए, जिससे बेयरिंग डिसमेंटल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।